इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह अडियाला से जालिमों के चुंगल से आजाद होके अपने घर वापस आ गई हैं। तो आप सबको मुबारकबाद और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहूंगी आज बहुत ही बड़ा दिन है इंसाफियंस के लिए, हम सब के लिए, तमाम कारकुनान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारान के लिए और उन लोगों के लिए पाकिस्तान में जो इंसाफ का बोलबाला होता देखना चाहते हैं, इसलिए इस इंसाफ की तहरीक के साथ खड़े हैं। बुशरा बीबी के लिए सिर्फ इतना कहूँगी कि आफरीन है कि खातून जो है वो अपने वफा का पेकर है, जो अपने खाविन के साथ एक हक पे, सच पे, इंसाफ की तहरीक पे, हकीकी आज़ादी की तहरीक के लिए तमाम तकलीफ़ों, मुसीबतों, परेशानियों, नारवा रखे गए सलूक के बावजूद डट गई। जिस किस्म का सियासी बुग़्ज़ और इंतकाम का उनको निशाना बनाया गया, सारी दुनिया ने देखा, आप सब ने दिखाया कि झूठे केसेस बनाए गए। ना सिर्फ पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे गलीज तरीन केस, इद्दत केस जैसा केस अदालतों में उछाला गया, जिसका सबर हौसले से ना सिर्फ बुशरा बीबी, उनके पूरे ख़ानदान ने मुकाबला किया, उसके बावजूद कि वो वहाँ से बाइज़्ज़त बरी हो गई, तो एक और झूठा केस बना दिया गया। अडियाला जेल से बाहर लाए बगैर उन पर झूठी FIRें काटी गई और दोबारा तोशाखाना 2 के नाम से केस बनाए, अलकादिर ट्रस्ट के नाम से केस बनाए और उनको इलेक्शन से पहले जो है वो लंबी लंबी सजाएं दी गई, लेकिन कहीं भी वो नहीं टूटी। अभी रिसेंटली इस पिछले एक महीने में रात को 2 बजे 3 बजे कैमरे ले जाके बॉडी सर्च के नाम पर इंतहाई घटिया तरीके से एक पर्देदार खातून की तजलील करने की कोशिश की गई, उनका पर्दा खुलवा के बालों की सर्च करने की कोशिश की जाती थी, ये कह के जी इधर से कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन निकलेंगे। ये सब इसलिए किया जा रहा था, कमरे में उनको मैट्रेस ऐसा दिया गया जिसके ऊपर पानी डाल दिया जाता था ताकि वो, एक इबादत गुजार खातून है, उनके कपड़े नापाक होने का खौफ होता है, लेकिन उनको इस तरह का मैट्रेस दिया जाता था। कमरे में चूहे छोड़े गए कि किसी तरह खौफजदा होंगी और चीखें मारेंगी और फिर उसके बाद वो इमरान खान को तोड़ने में शायद कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आफरीन है कि एक घरेलू खातून, एक इबादतगार खातून और एक नॉन पॉलिटिकल खातून होते हुए भी सियासी बुग़्ज़ का, अनाथ का डट के मुकाबला किया। ताद दम के ये कि इन्हीं अदालतों से जहाँ पर उनके ऊपर ये झूठे मुकदमात कायम किए गए और चलाए गए, इन्होंने ही उनको बाइज्जत बरी भी किया और आज जमानत भी दी है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वही जज शाहरुख अर्जुमन जिन्होंने इद्दत केस में इनको बाइज्जत बरी किया था, उन्होंने आज बुशरा बीबी की रूपकार जो है वो साइन की और शुक्र है कि वो बड़ी जल्दी अडियाला से तशरीफ़ ले आई हैं और बनीगाला पहुंच गई हैं। ये तमाम खवातीन, हमारे ILF के बहुत सारे वकला, हमारी पार्टी के बहुत सारे कारकुनान अडियाला के बाहर खड़े हुए थे हम सब, लेकिन क्योंकि बहुत स्पीड से वो निकल के आई और अपने बनीगाला पहुंच गई, तो इसलिए हम सब अब यहाँ आए हैं ताकि हम यहाँ आकर अपने जज्बात का, अपनी खुशी का और उस जो इस्तकबाल हम उनका करना चाह रहे थे वो हम यहाँ कर सकें। बहुत सारे हमारे कारकुनान हैं, फूल लेकर आए हैं, फूलों की पत्तियाँ लाए हैं और जज्बात के साथ आए हैं, मोहब्बत के साथ आए हैं, क्योंकि बुशरा बीबी हमारे लीडर के साथ डट के खड़ी रहीं। बुशरा बीबी को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी कि किसी तरह इमरान खान को ब्लैकमेल करके तोड़ लिया जाए। ये जो ख्वातीन को सियासी बुग़्ज़ का, इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, ये इसीलिए है कि ख्वातीन को एक तो मैसेज जाए पूरी पाकिस्तान में कि वो सियासत में बिल्कुल ना आए, और दूसरी बात ये थी कि इमरान खान को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी या उनकी घर की बाकी ख्वातीन को गिरफ्तार करके नाहक कैद में रखा गया, लेकिन बुशरा बीबी भी साबित कदम खड़ी रही। और मैं यहाँ जिक्र करूँगी अलीमा खानम साहिबा का, उज़्मा खानम साहिबा का, डॉक्टर उज़्मा का, जिनको नाहक डी चौक से पीछे खड़े हुए पकड़ा गया है। वो सिर्फ गाड़ी से उतर के वहाँ पैदल अभी आगे भी नहीं आई, कोई प्रोसेशन नहीं था, किसी को वो तकरीरें नहीं कर रही थी, उनके साथ कोई मजमा नहीं था, वो 2 ख़वातीन अकेली खड़ी थी और उनको भी वहाँ से उठा लिया गया है। और बाकी तमाम ख़वातीन जो उनके साथ अरेस्ट हुई थी, हमारे साथ भी अभी मौजूद हैं, उनको रिलीज़ कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ना अलीमा खानम को ना उज़्मा खानम को रिलीज़ करने की कोई मामला जो है वो नज़र आ रहे हैं। और मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या वजह है, क्यों आपको इमरान खान से इतना डर लगता है कि अब आपको उनके घर की ख़वातीन को बंद करके उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करनी है? याद रखें कि पाकिस्तान की 52% आबादी ख़वातीन है और जिस हक के साथ खान साहब खड़े हैं इस मुल्क में हमारी नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, तो हम सब उनकी आवाज़ है, हम सब उनके लिए निकलते हैं, उनके कारकुनान भी। और इस मुल्क की ख़वातीन को अगर कोई फोरम देने वाला है सियासत का और इज़्ज़त के साथ सियासत करने का, तो वो इमरान खान है। इसलिए ये ख़वातीन उनके लिए आवाज़ भी उठाती हैं, उनके लिए बाहर भी आती हैं। और यहाँ पर खुशी का मौका है, मैं ये कहूँगी कि आज इतने महीनों के बाद
बनी गाला की रौनकें वापस बहाल हुई हैं। इंशाल्लाह जहां पे हमारे लीडर होंगे, जहां पर उनके अहले खाना मौजूद होते हैं, सियासत का धारा वहीं से ही चलता है। आपने देख लिया कि इमरान खान अडियाला में हो तो सारा सियासत अडियाला से चलती है, और अगर इंशाल्लाह जब असल खुशी का दिन वो होगा, उस दिन हम सही मानों में जश्न मनाएंगे, जिस दिन हमारे लीडर जो जमीर के कैदी हैं, जिनको नाहक कैद किया गया, 200 से ज़्यादा FIRें और झूठे केस बनाने के बावजूद भी आज तक अदालत उनके ऊपर या प्रोसिक्यूटर जो हुकूमत की तरफ से है या ये जो झूठे केसेस में कुछ भी नहीं उनके ऊपर प्रूफ कर सके, तो इंशाल्लाह उस दलेर लीडर ने अपने आप को इन्हीं अदालतों में पेश किया है, यहीं पर वो मुकदमे लड़े हैं, वो यहाँ से कोई डील करके या प्लेटलेट्स का बहाना करके ना भागे हैं लंदन, ना उन्होंने कोई डिले की है। इंशाल्लाह इसी निज़ाम इंसाफ से वो भी क्लियर होंगे, और आप बहुत जल्द देखेंगे कि इसी अडियाला के बाहर आपको पूरे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान वो दिन सेलिब्रेट करते नजर आएंगे, जिस दिन सियासत का असल सिकंदर उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा लीडर इमरान खान यहाँ पर जलवा फरोश होगा। हम तुम्हारे साथ हैं, कदम उठाओ, हम साथ हैं, मैं तेरी जीत इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, रिहा करो, रिहा करो खान को, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो खान को, रिहा करो, शर्म करो, हया करो खान को, रिहा करो खान को, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, ना वो कैदी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो कैदी ना गद्दार, ना वो बागी ना गद्दार, ये ले ले प्लीज ले ले, ना वो भागा ना बीमार, कैदी ना गद्दार, ना वो भागा ना बीमार, ले ले जी।